नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी और अहम बात, मास्क पहनिए। मास्क पहनेंगे सुरक्षित रहेंगे, कोरोना से बचे रहेंगे, क्योंकि जिंदगी से जरूरी और कुछ भी नहीं। तो मास्क पहनना है और कोरोना से आपको बचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों की तरफ रुख करते हैं। सबसे पहले वो 5 तस्वीरें आप देख लीजिए जिनको लेकर आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में कोरोना के हालातों पर। एमपी में आप बड़े शहरों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। सरकार कर्फ्यू के माध्यम से संक्रमण की चेन तोड़ने में जुटी हुई है, इसी वजह से एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू 7 मई तक बढ़ा दिया गया है। दूसरी खबर में बात होगी मध्य प्रदेश में कोरोना से हुई कांग्रेस नेताओं की मौत की। आज ही कोरोना ने कांग्रेस के 2 नेताओं की जान ले ली। तीसरी खबर एमपी में वैक्सीन को लेकर है, जहाँ 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। आज और कल 2 दिन तक वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। चौथी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां कोरोना ने एक और बीजेपी विधायक की जान ले ली। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर में 3 विधायकों की मौत हो चुकी है। पांचवी और आखिरी खबर में बात होगी छत्तीसगढ़ की, जहां भूपेश सरकार ने हवाई यात्रियों पर सख्ती की तैयारी कर ली है। अब हवाई यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य हो गया है। टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव दिखाने पर ही यात्रियों को प्रदेश में एंट्री मिल सकेगी। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12,758 संक्रमित मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 14,156 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इस दौरान 105 मरीजों की मौत भी हुई। ये एक दिन में मौत का सबसे बड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 23 अप्रैल को 104 लोगों ने दम तोड़ा था। राहत की बात यह भी है कि पिछले 7 दिन में नए संक्रमितों की संख्या 13,500 से ज़्यादा नहीं बढ़ी है। प्रदेश में कुल एक्टिव केस 92,773 हो गए हैं। इनमें से 14,202 मरीज ऑक्सीजन बेड पर हैं, जबकि आईसीयू बेड पर 7,255 मरीज कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। 10 दिन पहले 18 अप्रैल को 11,526 मरीज ऑक्सीजन बेड पर और 6,107 मरीज आईसीयू बेड पर थे। चिंता की बात यह है कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों के साथ ही छोटे शहरों में भी कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में इंदौर में 10 मौत के बाद अब सबसे ज़्यादा 9 मौतें रायसेन में हुई हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का क्षेत्र है। भोपाल में जितनी मौतें, 5 मौतें गृह मंत्री के क्षेत्र दतिया में भी हुई। इसके अलावा रतलाम, नीमच, विदिशा, बैतूल में 5-4 और खरगोन, मुरैना, सिंगरौली में 3-3 मौतें हो चुकी हैं। इस बीच सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए प्रदेश भर में कोरोना कर्फ्यू 7 मई तक और बढ़ा दिया। ये कर्फ्यू 10 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। अलग अलग जिलों में संक्रमण की ताज़ा स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। राज्य सरकार ये निर्णय केंद्र सरकार के निर्देश पर ले रही है। जिन जिलों में संक्रमण दर औसतन 10% से ज़्यादा है, वहाँ कर्फ्यू 10 दिन और बढ़ाने की तैयारी है। इसकी शुरुआत होशंगाबाद, उज्जैन से भी की गई। होशंगाबाद और उज्जैन में लॉकडाउन 10 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया है। और जानकारी देंगे संवाददाता दुष्यंत पाराशर, फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लगातार बढ़ते आंकड़े दुष्यंत कोरोना के, और उसके बाद सरकार का एक और निर्णय कि अब 10 तारीख तक सब कुछ बंद रहेगा, यानी कोरोना कर्फ्यू को और आगे कंटिन्यू कर दिया गया है। हालात बिगड़ रहे थे और जाहिर है सरकार को डिसीजन लेना था, लेकिन मौतों के जो आंकड़े हैं और अब रिकवरी रेट, ये बताता है कि अब हम हालातों को थोड़ा सा ठीक करने में की स्थिति में आ चुके हैं। यानी जो रिकवरी रेट है, ठीक होने वालों की संख्या है, वो बढ़ गई है। तो ऐसे में जो हमने तारीखों के हिसाब से भी बताया कि किस तरह से कितनी मौतें दर्ज हुई, अब जो संक्रमण है वो जगह जगह पर फैल रहा है, प्रभुराम चौधरी जी के क्षेत्र में भी, नरोत्तम मिश्रा जी के क्षेत्र में भी। ओवरऑल व्यू आपका क्या कहता है? हाँ बिल्कुल, देखिए पारुल, जिस तरीके से पिछले दिनों से लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे थे वो कहीं ना कहीं एक भयावह स्थिति को दर्शा रहे थे, और एक जो स्थितियां जो थी मध्य प्रदेश की वो कहीं ना कहीं भयावह बनी हुई थी, और उसी को लेकर अब सरकार ने कहीं ना कहीं सख्ती से फैसला लेने का निर्णय लिया है। और जिस तरीके से अगर निर्णय की बात की जाए तो अब ये विचार किया जा रहा है कि आगामी 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ये जरूर साफ कर दिया है गृह मंत्री ने कि 10 मई तक तो नहीं, लेकिन जिस तरीके से 7 मई तक तो कोरोना कर्फ्यू लगातार लागू रहेगा, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण दर लगातार बढ़ी और उसके बाद फिर स्टेबल हो गई, तो अब ये फैसला सरकार को लेना है कि कोरोना कर्फ्यू से फायदा तो जनता को हुआ ही है, साथ ही साथ इस फायदे को आगे भी बढ़ाना है, किस तरीके से आगामी समय में काम करना है और कोरोना कर्फ्यू को कहां तक ले जाना है, इस पर विचार लगातार किया जा रहा है। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है
कि 10 मई तक जो है वो कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है। जिस तरीके से लगातार प्रयास सरकार की तरफ से है और सरकार के साथ साथ में आम जनता से जो अपील सरकार ने की थी उसका भी असर कहीं ना कहीं धरातल पर देखने को मिलने लगा है, और जो कोरोना के जो लगातार बढ़ते संक्रमण को अब ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो स्टेबिलिटी आई है, जो कोरोना संक्रमण के जो मरीज हैं उनकी उनकी संख्या में कमी आई है, तो ये जरूर है कि सरकार लगातार अब ये प्रयास कर रही है कि इस कोरोना कर्फ्यू के जरिए ही कहीं ना कहीं अब लोगों की जान से खिलवाड़ जिस तरीके से कोरोना से हो रहा था तो वो अब ना हो और जनता की जो जान है वो बचाई जा सके, इसको लेकर कोरोना कर्फ्यू लगाया जाए और जहाँ जरूरत है वहां पर लॉकडाउन भी लगाया जाए और सख्ती से इसका पालन भी कराया जाए, क्योंकि अब चारा दूसरी तरफ नहीं बचा है। अगर क्योंकि चारा अगर दूसरा होता तो कहीं ना कहीं सरकार पहले उस पर ही जाती, क्योंकि लॉकडाउन एक आखिरी अंतिम प्रक्रिया जो है वो कोरोना की मानी जा रही है, क्योंकि लोगों को घर में रहने के लिए बाध्य करना और जिस तरीके से तमाम सारी आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लगाना ये सरकार के लिए एक बड़ा कदम है, और सरकार के साथ साथ में एक आर्थिक गतिविधियां रुक जाने से कहीं ना कहीं कोरोना के चलते तो प्रदेश का विकास भी रुक जाता है, और ऐसे में सरकार के लिए एक बहुत ही विषम परिस्थिति है, चुनौतियां हैं, और सरकार वो चुनौतियों को प्रयास ये कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा छोटे शहरों में कोरोना को ना पहुंचने दिया जाए, और यही प्रयास है कि बड़े शहरों में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, कोरोना कर्फ्यू को अब आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, और जिस तरीके से जो एक चेन बनी हुई थी उस चेन को भी तोड़ने का प्रयास जो है वो सरकार प्रशासन और आम जनता के द्वारा ही किया जाएगा, तो इसको लेकर ये कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने की बात कही जा रही है। देखिए बार बार यही जोर दिया जा रहा था, पहले जब फेज वन था कोरोना कर्फ्यू तो नहीं था, उसे लॉकडाउन ही कहा गया था, उस वक्त भी बार बार जोर दिया गया था कि गांव में ग्रामीण अंचलों में कोरोना गया तो संभलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब गांव में भी ये संकेत हैं, ये सूचनाएं हैं कि ग्रामीण अंचलों में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। यहाँ आप किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्या सरकार का प्लान है ओवरऑल इस ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनको लेकर, इसके बारे में कोई सूचना है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, देखिए अभी किल कोरोना अभियान 2 की शुरुआत जो है वो पिछले 2 दिन पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने की है, और जिस तरीके से गाँव में कोरोना का संक्रमण फैला है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार के प्रयास ये है कि घर घर जाकर सर्वे किया जाए, सर्वे के साथ साथ एक जो कोरोना की किट है वो भी कहीं ना कहीं वो हर एक घर में वितरित की जा रही है, ताकि लोगों को इसके बारे में पहले से जानकारी हो, और अगर इस तरीके के सिम्टम्स उनके अंदर पाए जाते हैं तो घर में ही रहकर इन दवाओं के जरिए कहीं ना कहीं 7 दिन में ठीक हो सकते हैं। इस बात पर जोर सरकार का है और प्रयास यही किए जा रहे हैं, जो किट है उसमें मास्क भी दिया जा रहा है, सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है, साथ ही साथ तमाम सारी जो दवाएं हैं जो डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन पर भी नजर आती हैं, तो वही दवाइयां आप घरों तक पहुंच जाएंगी और लोगों को कोरोना संक्रमित होने से बचा सकेंगी, तो प्रयास सरकार के हैं। और जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों की अगर तरीके से बात कर ले तो वो उसमें ये देखने में आ रहा था कि कोरोना का फैलाव अभी शुरू हुआ था तो सरकार ने ये प्रयास शुरू कर दिए, लेकिन अगर ये ज्यादा फैलता तो परेशानी बढ़ती, उसके पहले ही सरकार ने ये प्रयास किए हैं कि जो संकल्प पत्र है लोगों से वो भी भरवाना शुरू कर दिए, ताकि लोग इस संकल्प पत्र के जरिए अपनी सहमति दें कि सरकार को वो ये सहमति दे रहे हैं कि कोरोना कर्फ्यू जनता के लिए लगाया गया है, तो इस कोरोना कर्फ्यू में वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे और अति आवश्यक काम पड़ने पर ही वो घर से बाहर निकलेंगे। बहुत शुक्रिया दुष्यंत जानकारी देने के लिए। तो प्लान तो पहले से ही तैयार है, क्योंकि सरकार को पता था कि अगर गांव में ये कोरोना चला गया तो संभालना बहुत मुश्किल होगा, तो वहां जैसे ही भनक पड़ी उससे पहले ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया, जनता कर्फ्यू लगा दिया गया और उनसे संकल्प पत्र भी भरवाए जा रहे हैं। और कोरोना को लेकर आंकड़े भी हमने आपको बता दिए क्या कुछ इस वक्त आ रहे हैं और किस तरह से प्रभुराम चौधरी जी का क्षेत्र हो, गृहमंत्री जी का क्षेत्र हो, किस तरह से यहाँ कोरोना फैल रहा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में गुरुवार को कोरोना से कांग्रेस के 2 और नेताओं का निधन हो गया। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष मांडवी चौहान को कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शोक व्यक्त किया है। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले मांडवी चौहान की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, उन्हें भोपाल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। गुरुवार सुबह 6 बजे उनका निधन हो गया। मांडवी चौहान के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर शोक जताया है। दिग्विजय सिंह ने कहा मांडवी चौहान कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता थी। कमलनाथ जी ने कहा मांडवी का निधन कांग्रेस परिवार के लिए एक बड़ी क्षति है। कांग्रेस पार्टी ने भी मांडवी चौहान के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं मालवा क्षेत्र के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह बघेल का भी निधन हो गया।
कभी विधायक बघेल दिग्विजय सिंह के बेहद करीबी माने जाते थे। इससे पहले अलीराजपुर से विधायक कलावती भूरिया और देवास की पहली महापौर की भी जान जा चुकी है। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। मांडवी चौहान नाम ही उनका कांग्रेस में और महिला कांग्रेस में काफी था, लेकिन इस तरह से उनका जाना किसी को यकीन नहीं हो रहा वैभव। और दूसरी ओर कोरोना किस तरह से लोगों को लील रहा है, उनकी जानों को खत्म कर रहा है, ये सबूत है इन तमाम चीज़ों का कि आम जनमानस, आप सोचिए तो नेता है, राजनेता है, जिनके कईयों फॉलोवर्स हैं, कांग्रेस पार्टी में बड़ा स्थान रखते हैं, एक वो पार्टी जो बड़ी पार्टी है प्रदेश में, और ऐसे में ऐसे लोगों के साथ ये घटना घट जाना, कोरोना संक्रमण उनके शरीर में प्रवेश कर जाना, उसके बाद मौत हो जाना, जबकि वो वेंटिलेटर पर थी, ट्रीटमेंट उनको मिल रहा था, उसके बावजूद भी, तो ये आम जनमानस को समझना होगा कि आप सोचिए कि जब लोग जो बड़े बड़े ओहदे के लोग हैं उन तक को नहीं बख्श रहा कोरोना, तो आम जिंदगी आम जीवन कैसे हम बगैर एहतियात बरते संभाल पाएंगे। और जिस तरह से कांग्रेस के लोगों का जाना एक के बाद एक हो रहा है, एक बड़ी क्षति कांग्रेस के लिए भी, न केवल उनके राजनीतिक क्षेत्र में, बल्कि ये लोग एक खासा ओहदा रखते थे लोगों के जीवन में, लोगों के आइडियल होते थे, इन लोगों का जाना वैभव। हाँ बिल्कुल, अभी हाल ही में कांग्रेस की महिला विधायक की भी कोरोना के चलते मृत्यु हुई, और उसके बाद आज सुबह खबर कर सामने आई कि महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान का निधन हो गया है। बेहद जुझारू महिला थी और कांग्रेस में महिलाओं के बीच में जो पकड़ थी वो उनकी बेहद अच्छी थी। अभी हाल ही में मैंने देखा था कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर महिला दिवस के पक्ष में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें कमलनाथ के साथ ही तमाम वरिष्ठ नेता भी इकट्ठा हुआ था। तब हमने मांडवी चौहान की ताकत को भी देखा था, उनके जनाधार को भी नजदीक से समझने की कोशिश की थी। जुझारू महिला के साथ ही एक संवेदनशील महिला भी थी, लगातार कोलार क्षेत्र में वो रहती थी, कोलार क्षेत्र में जैसे ही कोई दिक्कत आती थी वो तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंचती थी और अपनी ओर से जो मदद हो सकती थी उस मदद को करने की कोशिश करती थी। कमलनाथ से भी उनके बहुत अच्छे संबंध थे, इसके साथ ही सोनिया गांधी से भी लगातार मुलाकात करती थी, राहुल गांधी से लगातार मुलाकात करती थी। तो जैसे ही आज सुबह खबर आती है कि उनका निधन हो गया, तो उसने प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता को स्पष्ट कर दिया कि जुझारू महिला जो लगातार जनता के बीच में रहती थी, काम करती थी, ऐसी महिला का जाना एक बेहद दुखद बात है। तो लगातार जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो काल के काल में समाते जा रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला, कोरोना बिल्कुल हर किसी को अपने गपले में रहा, चाहे वो अधिकारी हो, इससे पहले मध्य प्रदेश के जो जनसंपर्क अधिकारी है मनोज पाठक, उनका भी कोरोना के चलते देहांत हुआ था। कुछ तो अच्छे अच्छे लोग हैं जो जनता के लिए काम करते हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो नेता हो, कोरोना सभी को अपनी चपेट में ले रहा है। हालांकि मांडवी चौहान का इलाज भी चल रहा था, कुछ समय पहले वो कोरोना नेगेटिव भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी उनके शरीर में जो इन्फेक्शन फैल गया था वो इन्फेक्शन खत्म नहीं हो रहा था। कोशिश की जा रही थी लेकिन कोशिशों में सफलता प्राप्त नहीं हुई, और यही कारण है कि आज हमको इस खबर पर बात करनी पड़ रही है। बिल्कुल वैभव, आपने बेहतर समझाया, बेहतर बताया कि किस तरह से हम देख रहे हैं मांडवी चौहान, एक वो नाम जो महिला कांग्रेस में भी बड़ा नाम थी, और न केवल बहुत सारी लेडीज़ उनको फॉलो करती थी, और जाहिर है जब कोई नेता होता है उसके पीछे कितने लोगों का हाथ होता है उस नेता को बनाने में, ये सत्य है। लेकिन इस तरह से मांडवी चौहान जी का जाना कई लोगों को तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले ही जब हमने देखा विधानसभा चुनाव उपचुनाव के समय काफ़ी एक्टिव वो नज़र आ रही थी। लेकिन खैर, अब जैसे कि पहले भी हमने कहा कि कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा है, ना वो ये देखता है कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आप कांग्रेस के हैं, आप बीजेपी के हैं, आप घर पर बैठे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, कुछ नहीं देखता है। इसलिए बहुत संभल कर चलना होगा। बहुत ही दुख हुआ उनके बारे में सुनकर भी, और अब देखिए किस तरह से ट्विटर पर भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं उनको भी और बघेल साहब को भी। शुक्रिया वैभव जानकारी देने के लिए। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में 29 और 30 अप्रैल को वैक्सीनेशन नहीं होगा। इन दो दिनों में 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जानी थी। वैक्सीनेशन टालने की वजह ये बताई जा रही है कि 1 मई से वैक्सीनेशन पार्ट 3 शुरू हो रहा है, इसलिए स्टाफ को नए सिरे से ट्रेनिंग देने के साथ ही कई अन्य तैयारियाँ की जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार शाम बैठक बुलाई है जिसमें तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 1 मई से प्रदेश के 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू किया जाएगा। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग तैयारियों को पुख्ता करना चाहता है। दरअसल मंगलवार को कोरोना की समीक्षा बैठक में सुझाव दिया गया था कि सरकारी अस्पताल के बजाय स्कूल परिसर में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने तैयारी करने के निर्देश अफसरों को दिए थे। तैयारियों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग का वैक्सीनेशन पोर्टल भी 2 दिन बंद रहेगा।
जिसमें वैक्सीन लगने के बाद पूरी जानकारी भरी जाती है। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राइवेट अस्पतालों में भी दो दिनों में वैक्सीनेशन होगा, नहीं होगा माफ कीजिए, यहाँ दो दिन गैप रखा गया है तैयारियों के लिए। आपको बता दें प्रदेश में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स समेत 45 साल से अधिक उम्र के अब तक 80,11,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, इनमें 10,10,000 को दूसरा डोज भी लग चुका है। और इसको हम और भी समझने की कोशिश करते हैं। प्रभु पटेरिया सर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, हमारे एसोसिएट एडिटर हैं। प्रभु पटेरिया सर, जाहिर है कि अब वैक्सीनेशन 18+ को लगना है, तो ये थर्ड फेज होगा वैक्सीनेशन का, जिसको लेकर तैयारियों की बात कही जा रही है, लेकिन दो दिन जिनमें 45+ को वैक्सीन होना था उन्हें नहीं किया जा रहा है, जिसके पीछे वजह काफ़ी सारी देखी जा रही हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए परुल, एक बड़ा अभियान ये चल रहा है और ये जो जो कोर ग्रुप कहें हम, जो कोरोना का जो स्प्रेड की जो चेन बनती है उसको स्प्रेड करने का जो कोर ग्रुप है वो युवा है। सबसे ज्यादा 18 से 45 साल के उम्र के लोग ही बाहर ज्यादा निकलते हैं, वो कम एहतियात बरतते हैं और आमतौर पर घर में भी ये देखा जाता है कि कुछ भी काम है, दुकान में सामान लेना है तो बच्चों को भेज दिया जाता है युवाओं को, क्योंकि ये ज्यादा सुरक्षित माने जा रहे हैं। क्योंकि जब से कोरोना आया तो ये एक साइंटिफिक इसका रिजल्ट आया था कि युवाओं पर इसका जो है घातक असर कम होता था, लेकिन जो सेकेंड वेव वो जो आई है अभी भारत में, ये युवाओं पर भी आक्रमण करती हुई दिखाई दे रही है। तो सरकार ने ये तय किया है कि अब युवाओं का भी वैक्सीनेशन किया जाए और पूरी तरह उनको जो है सिक्योर किया जाए, तो इसके लिए ये तैयारियां चल रही हैं। और चूंकि ये बड़ा अभियान चलना है, मध्य प्रदेश में 3,41,00,000 युवा हैं जिनको, जो इस दायरे में आते हैं जिनको वैक्सीनेशन होना है, तो उन सबको देख के हिसाब से वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाने होंगे, स्टाफ को तैयारी करानी होगी, जो नए स्टाफ उसमें लगेगा तो उस सब की तैयारियों के हिसाब से उसकी ट्रेनिंग के लिए दो दिन का वैक्सीनेशन ड्राइव बंद किया गया है। और ये मान के चले कि जिस फेज के लिए चल रहा था, जिस टारगेट ग्रुप के लिए चल रहा था, उसमें ज्यादातर लोग वैक्सीनेशन करा चुके हैं जो इच्छुक थे, जो नहीं आ रहे हैं उनके घर घर पहुंचकर वैक्सीनेशन के लिए एक अलग से ड्राइव सरकार की तरफ से चली रही है, लोगों को जागरूकता बढ़ाने का काम चल रहा है। और इन लोगों को दो दिन के बाद फिर इसी दायरे में जब थर्ड फेज चलेगा उसके बीच में ये लोग भी जाकर वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो एक तरीके से सरकार युवाओं पर जो फोकस करके तैयारी करी, तो उसके लिहाज से ये दो दिन के लिए बंद किया गया है। और मध्य प्रदेश सरकार ने 45 लाख डोज का कोविशील्ड का ऑर्डर भी दे दिया है और कोवैक्सीन भी खरीदने की तैयारी चल रही है। और एक बड़ी बात यह है कि 1 मई से भारत को स्पुतनिक वैक्सीन भी मिलने वाली है, तो उसका भी कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश को आएगा। तो एक तरीके से ये कहें कि मध्य प्रदेश के युवाओं को, जो सेंटर पॉइंट है देश का, यहाँ के युवाओं को सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन की जरूरत है। और युवाओं में उत्साह भी दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन जिस तरीके से हुए हैं, ज्यादातर युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, कुछ उसमें पोर्टल में इतना लोड बढ़ गया था कि कल वो क्रैश भी हो गया, कुछ दिक्कतें भी उसको लेकर खड़ी हुई, लेकिन सारी तैयारियों के साथ ही इनको जो है लगातार वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो ये बड़ी पहल सरकार के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल प्रभु सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए कोशिश यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वैक्सीन ले लें, वो वैक्सीनेट हो जाएं, और उसी के लिए ये कवायद की जा रही है। दो दिन की को रोका गया है, यानी दो दिन का ये कह सकते हैं कि तैयारी के लिए समय लिया गया है, क्योंकि देखिए किस तरह से युवा आगे आ रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए, जिसकी वजह से अभी प्रभु सर ने बताया कि वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन जिन पोर्टल्स पर हो रहे हैं वो पोर्टल्स के क्रैश होने तक की खबरें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, सुचारू रूप से तमाम चीज़ें हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कहर ने एक और बीजेपी विधायक की जान ले ली। बरेली के नवाबगंज सीट से विधायक केसर सिंह गंगवार की कोरोना से मौत हो गई। वो नोएडा के निजी अस्पताल में भर्ती थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने भी कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। लखनऊ के पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष और सीनियर आईएएस ऑफिसर दीपक त्रिवेदी की भी मौत हो गई। वो कोरोना संक्रमित थे और उनका पीजीआई में इलाज चल रहा था। पूर्व कैबिनेट मंत्री और पीलीभगत शहर से विधानसभा क्षेत्र से 5 बार के विधायक रहे हाजी रियाज अहमद का भी निधन हो गया। वो 24 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे। इसके बाद उनका इलाज बरेली के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। आपको बता दें कि कोरोना से यूपी में बीजेपी के अब तक 5 विधायक और 2 मंत्रियों की मौत हो चुकी है। कोरोना के दूसरी लहर में 3 विधायकों ने जान गंवाई है। औरैया के सदर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक रमेश चंद्र दिवाकर का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया था। राजधानी लखनऊ में पश्चिम क्षेत्र से बीजेपी विधायक सुरेंद्र चंद्र श्रीवास्तव जो है सुरेश चंद्र श्रीवास्तव का भी कोरोना के चलते निधन हो गया था। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की रफ्तार कमजोर पड़ने लगी है, लेकिन कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 29,824 नए केस सामने आ चुके हैं। इस दौरान 35,903 संक्रमित ठीक भी हुए।
इस तरह 6,079 एक्टिव केस कम हुए हैं। 43 दिन में पहली बार एक्टिव केस में गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले 15 मार्च को 121 नए संक्रमित मिले थे, तब एक्टिव केस में 13 मरीज घटे थे। लेकिन यूपी में मौत की दर बढ़ना चिंता की बात है। बीते 24 घंटे में 266 मरीजों की मौत हुई। इसके बाद प्रदेश में मृतकों का आंकड़ा 11,044 तक पहुंच गया। और कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश की स्थिति को और भी समझेंगे। संवाददाता राजू इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। 5 विधायक, बीजेपी के 2 मंत्री और उसके अलावा भी यहां से जो आंकड़े आ रहे हैं ये कम नहीं हो रहे हैं, डराने वाले हैं मौतों के आंकड़े। संक्रमण की दर भले ही हम ये कह सकते हैं कि जो ठीक होने वालों का आंकड़ा है वो ज़रूर बढ़ गया है, लेकिन ऐसे में क्या कोरोना को लेकर पर्याप्त प्रयास हो रहे हैं? क्या कोरोना को लेकर जो आंकड़े आ रहे हैं वो ठीक बताए जा रहे हैं? और क्यों कोरोना को काबू में करने में सरकारें कमज़ोर साबित दिख रही हैं? पारुल, इस खबर को अगर मैं आपको संज्ञान से बताऊं दो मिनट में ही तो अच्छा रहेगा, जिससे जनता में मालूम पड़े। सबसे पहले बात करें भारत की, जिस तरीके से 24 घंटे के कोरोना संक्रमण के लिए मामले में पुरानी सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में 3,79,257 नए मामले दर्ज किए गए, तो वही 3,645 लोगों की मौत हो गई। देश भर में 1 मई से होने वाले 18 मई से ऊपर के लोगों के लिए कोरोना टीका के पंजीकरण का काम शुरू हो गया। इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसर व मंत्रियों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। वही कोरोना वायरस के संकट से भारत बुरी तरह प्रभावित है। कोरोना को बढ़ते मामले की वजह से देश ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर की कमी से जूझ रहा है। ऐसे संकट में अगर बात करें वक्त में, तो फिर एक बात रूस भारत की मदद के लिए उसका सबसे पुराना साथी की अगर बात करें रूस सामने आ गया है। भारत की मदद के लिए दवाइयां, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर और समेत अन्य सामान लेकर रूस के 2 विमान दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जिसमें बात करें 20 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, 75 वेंटिलेटर, 150 बेडसाइड मेडिकल मॉनिटर, 22 मिलियन टन दवाएं, जिसमें उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संकट बेहद ही खतरनाक है पारुल होता जा रहा है। क्योंकि बीते एक सप्ताह के अंदर अगर बात करें कोरोना वायरस से बारिश से मरने वालों में उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अफसर की बात करें दीपक त्रिवेदी का गुरुवार को निधन हो गया, यानी आज। वहीं अगर लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई में भर्ती थे, सूचना विभाग के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर की भी बात करें सेवानिवृत्ति अधिकारी संजय राय का भी कोरोना से निधन हो गया। वहीं अगर भाजपा की जो बात की पूनम पारुल, आपने जिस तरीके से देखा जाए भाजपा के 3 विधायक के साथ ही आज पूर्व मंत्री हाजी रियाज अहमद के बाद इस हफ्ते के चौथे दिन भी कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहे प्रदेश उत्तर प्रदेश परिषद दीपक त्रिवेदी ने आज इलाज के दौरान संजय गांधी पीजीआई में दम तोड़ दिया। मुरादाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एम सी गर्ग कोरोना संक्रमित हुए, तो वही बदाऊ के बात करें एसडीएम किशोर गुप्ता का भी कोरोना के चलते निधन हो गया। वही अंबेडकर नगर की बात करें जैसे विकासखंड के बसकारी के ग्राम पंचायत एक बाहुद्दीन में तो ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी बाबूलाल का आज तड़के निधन हो गया, जिसके चलते प्रधान पद का चुनाव स्थगित कर दिया गया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिस तरीके से पारुल देखा जाए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 11 टीम 11 के साथ बैठक की और दौरान प्रदेश में लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया है। अब सप्ताह में 3 दिन शुक्रवार शाम 7 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के हर नागरिक का निःशुल्क वैक्सीनेशन कराने का फैसला लिया गया है। इसी क्रम में अगर बात करें पारुल, जिस तरीके से देखा जाए सरकार ने 4 करोड़ वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर करने की योजना बनाई है। सरकार ने इसके लिए ग्लोबल टेंडर आमंत्रित किया है, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार का वैक्सीनेशन के लिए बड़ा जनहित का फैसला माना जा रहा है। देश के साथ प्रदेश में तीसरे चरण की शुरुआत से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए 4 करोड़ वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ा आंकड़ा है 4 करोड़ का ग्लोबल टेंडर जारी करना, और वो भी चाहते हैं कि पूरा प्रदेश वैक्सीनेट हो, जिसकी वजह से जो आंकड़े हैं कम से कम उनमें हम कमी देखें। क्योंकि आपने भी पूरी फहरिस्त बताई है कि किस तरह से कितने लोग और किस किस डिपार्टमेंट से रिलेट करते हुए जिनकी मृत्यु हुई है, बहुत ही दुखद। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जानकारी देने के लिए। और चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हवाई यात्रियों पर सख्ती के संकेत दिए हैं। सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए 72 घंटे पहले कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट कराना अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई यात्री ऐसा नहीं करता है तो उसे प्रदेश में प्रवेश ही नहीं दिया जाएगा। सुरक्षाकर्मी ऐसे यात्रियों को हवाई अड्डे के बाहर नहीं निकलने देंगे। अभी तक ऐसे लोगों का वहीं एंटीजन टेस्ट हो रहा था। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने हवाई यात्रियों की कोरोना जांच के लिए 23 अप्रैल को जारी आदेश में संशोधन किया है।
नए आदेश के मुताबिक हवाई जहाज से छत्तीसगढ़ आने वाले सभी यात्रियों की 72 घंटे के भीतर कराई गई कोरोना की नेगेटिव आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य होगी। रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही राज्य में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। दूसरे राज्यों से संचालित विमान कंपनियों ने कहा कि वो आरटीपीसीआर जांच का नेगेटिव रिपोर्ट देखने के बाद ही बोर्डिंग पास जारी करें। अगर गलती से कोई यात्री बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के पहुंच गया तो उसे हवाई अड्डे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। नया आदेश 4 मई से प्रभावी होगा। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का और विस्तार ना हो उसको लेकर एक कदम छत्तीसगढ़ सरकार ने उठाया है कि हवाई यात्री, क्योंकि ये जो कोरोना के बारे में कहा गया था कि दूसरे देशों से हमारे देश में आया है, खासतौर पर टारगेट तो चीन के वुहान को ही किया गया था, लेकिन जब हमने देखा कि इसका जो अलग अलग तरह से म्यूटेंट अब आ रहा है सामने, तो ये कहीं दूसरी जगहों से ना आ रहा हो, इसको भी ध्यान में रखते हुए जो छत्तीसगढ़ सरकार है उन्होंने कंपलसरी कर दिया है आरटीपीसीआर टेस्ट की जो एयरवेज की कंपनीज हैं या जो भी हवाई कंपनियां हैं वो पहले आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव अनिवार्य करें, उसके बाद ही वो बोर्डिंग पास जारी करें, वरना छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद ही हवाई अड्डे के अंदर ही ये लोग रहेंगे अगर इनके पास आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट नहीं होगी। खैर, मुझे दीजिए इजाज़त, आप रखिए अपना ध्यान, मास्क ज़रूर लगाइए, कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।